देखिए, राष्ट्र जो है वो सरकार से भिन्न है, सरकार राष्ट्र में है, राष्ट्र सरकार में नहीं है। अगर हम सरकार की आलोचना करते हैं, इससे हम राष्ट्रद्रोही नहीं हो जाते, परंतु वर्तमान जो भाजपा की आइडियोलॉजी है उसके तहत अगर आपने सरकार की आलोचना कर दी आप मुझसे क्यों कह रहे हो? सरकार को बताइए। कहाँ है सरकार, बोला। तो आपने राष्ट्रद्रोह कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सुनीता विश्वनाथ से बात करना एक राष्ट्रद्रोह है? क्योंकि वह सरकार की आलोचना करती है, इसके तहत उनसे बात करना राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। अगर बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। हम सरकार की किसी भी नीति पर प्रश्न पूछते हैं, उस पर कोई टिप्पणी करते हैं, सीधा हम पर ठप्पा लग जाता है कि हमने राष्ट्रद्रोह कर दिया। तो इससे तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब होता है केवल एक विचारधारा ही कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। राष्ट्रहित है, केवल एक पार्टी ही राष्ट्र है, और राष्ट्र को सरकार के अधीन कर दिया गया है। सरकार ने अब इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। और फिर मैंने शर्म आया है, मैंने सिर्फ तार्किक बात कह रहा हूं, बाकी छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जी को हमारी सरकार छोड़िए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी भारत में किसी विश्वविद्यालय में नहीं बुलाया जाता। ये अमेरिका में है और इंग्लैंड में, ये कौन से मंच है जो राहुल गांधी जी को बुलाते हैं, जबकि ना वो विषय के विशेषज्ञ माने जाते हैं, ना उनकी कोई इंटेलेक्चुअल वाली छवि है। भाई मैं मान रहा हूं शशि थरूर जी को बुलाएं समझ में आता है, एक बार चिदंबरम जी को बुलाएं समझ में आता है, जयराम रमेश जी को बुलाएं समझ में आता है, राहुल गांधी जी को भारत में उनकी कांग्रेस सरकार में भी कोई नहीं बुलाता था, वहां बुलाते और वो जाके वहां अगल बगल पृष्ठभूमि में लोग भी संदिग्ध दिखते हैं और सारी बातें अगेंस्ट में करते हैं। तो जली ना तेरी भी जली ना। तो ये सारा परिदृश्य क्या दिखाता है लोकेश जी? ये मेरे विचार से देश की जनता को सीधे समझ में आता है। इसमें आप चाहे जितना कानूनी पेच आड़ ले लें, मैं तो ऐसी दर्जन किताबें कोट कर सकता हूं बाहर की, जिसमें कांग्रेस के लिए, मतलब मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, हैसियत नहीं है कि जाके कानूनी नोटिस दे दे, ऐसा ऐसा कांग्रेस यशस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सवाल पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने पत्रकारों पर एफआईआर हुई है सच दिखाने पे? पूछना चाहिए आपको जहां जहां आपकी सरकार रही कितनी एफआईआर आपने लोगों पे की है, पूछना चाहिए। और ये डाटा सामने आना चाहिए, किसी को छुपाना नहीं चाहिए इसमें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जिस तरह की बातें भी सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे विपक्ष में बैठे बेचारे असहाय हैं, उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सब विदेशी ताकतें आ गई, विदेशी ताकतें देश पे हावी हैं, पैसे से सरकार बदल देंगी। तो भाई जब सब कुछ विदेशी ताकतें हैं, पैसा सब बदल देंगी, तो आपके यहाँ पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है भाई? ओ, हिला डाला ना। सरकार इतनी कमजोर तो हिंदुस्तान की है नहीं, आपने कर दी तो पता नहीं, इतनी कमजोर तो हिंदुस्तान की सरकार नहीं है कि कोई भी बाहरी आएगा पैसा खर्च करेगा हिंदुस्तान की सरकार गिरा देगा। इसके मतलब आप सिंपैथी लूटना चाहते हैं या हकीकत में ये बात कर रहे हैं? और आप खुद ही हिले हुए तो हम क्या कर लें भाई? तो इसलिए आप मुद्दों पे बातें कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। एफआईआर की बात आपने की तो डाटा निकलवा लीजिए। सारा दिन इनका एक ही तो धंधा है भारतीय जनता पार्टी का कि एफआईआर करो, डराओ, धमकाओ, तभी तो पूरी विपक्ष की पार्टी एक साथ आई है। क्यों आई है? बिल्कुल। अरे 5 सेकंड आपके लिए क्या है? 10 सेकंड दे रही हूं आपको, 10 सेकंड। मैंने कहा आराम से लेने का। हाँ, मैंने कहा सुधांशु जी से जरूर पूछ लीजिएगा, झोला लेके जाते हैं क्या सब्जी लेने? कभी टमाटर 100 के पार है, लेकिन उनको इनके सेकंड नहीं है, चेहरे पे कोई चिंता नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, हम तो बैठे आराम से, होगा 100 रुपए, चलने दो 100 रुपए, क्या है? सोचो, डीजल पेट्रोल 100 के पार, टमाटर 100 के पार, तेल 200 के पार। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? लेकिन वो शांति से बैठे हैं, होगा, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी का मुद्दा है ना, ये कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिए मुद्दा याद करा दूं, जिन राज्यों में आपके दोस्तों की सरकारें हैं वहां भी यही रेट चल रहा है, और सारे टमाटर जो है वो दिल्ली में नहीं उगते। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसका देश में अलग अलग दाम होता है। हाँ। क्योंकि उस पर 3 प्रकार के टैक्स लगते हैं, एक तिहाई लगभग कंपनियों का होता है, एक तिहाई केंद्र का टैक्स होता है। नई बात बता रहे हैं, सुनो भारतीयों, सुनो नई बात है ये हमारे, ये अगर मुझे टमाटर के दामों की चर्चा करनी होती तो मैं उसका डिबेट रखती। लानत है तुम लोग पे, लानत। यहाँ जब देश तोड़ने की बात आती है तो इनको गरीबी की याद आ जाती है, दामों की याद आ जाती है, इनको याद आ जाती है बेरोजगारी के, आगे पीछे नहीं आती। इनसे सवाल पूछे सुधांशु त्रिवेदी जी तो इनको ये सारे तमाम चीजें याद आ जाती है, लेकिन दोस्तों के बारे में टिप्पणी नहीं। दीदी मैं सरकार में रहता मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता। दीदी राहुल गांधी जी ने जहां जहां कदम बढ़ाए हैं, तो कहावत है ना, तो जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहता बंटाधार हुआ है, तो सोच समझ के कदम आगे बढ़ाइएगा। व्यक्तिगत रंजिश की तरह क्यों देख रहे हैं आप राजनीति को, व्यक्तिगत रंजिशों की तरह क्यों देखते हैं आप? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहां पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बस कौन सी मस्जिद से चलेगी, ये सब वहां से ऑर्गेनाइज हो रहा है। आप किस सिद्धांत पे सपोर्ट करेंगे इसको, मैं पूछना चाहती हूँ। तुम्हें शर्म है कुछ? नमस्कार। देखिए, आज की हमारी बड़ी बहन स्मृति ईरानी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वह एक आगाज है कि 2024 के लोकसभा चुनावी के जो भाषण है अब भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े बड़े नेताओं ने देने की शुरुआत कर दी। पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता देश में बढ़ी है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसी के प्रारूप में देखिए कि अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो उसे बदनाम करना शुरू कर दीजिए। आप बात कर रही हैं, तस्वीर दिखाई जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, अमित वाली में ट्वीट कर रहे हैं,
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे भाई, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने का जो अराजकीय कार्यक्रम किया था वो क्या था? हमारा तो सबसे बड़ा शत्रु आज कोई है धरती पर तो पाकिस्तान है ना, और नवाज शरीफ कौन थे? प्रधानमंत्री जी उनके साथ जाकर बिरयानी खाएं। जुम करो। What's happening? नंगा करके नहला रहा। तस्वीरें साझा करें, भारतीय जनता पार्टी कहती हम देशभक्त हैं। राहुल गांधी जी की तस्वीर दो लोगों के साथ वायरल करके कहें ये लोग देशद्रोही हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये कौन सी मानसिकता है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप राजनीति मुद्दों पर करिए, विचारधारा पर करिए। आपकी हमारी राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई है, हमारे आपके मतभेद हैं। किसी व्यक्ति को बदनाम करते करते क्या राहुल गांधी जी भारत देश के नागरिक नहीं है? पर क्या राहुल गांधी यही तो सवाल पूछ रहे हैं? दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are rearrived.